ओके क्लास, तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.3 के कुछ क्वेश्चंस हम कल कर चुके थे, आज हम आगे के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इफ द सर्कमफेरेंस, अगर किसी सर्कुलर शीट की सर्कमफेरेंस 154 मीटर है। सृष्टि प्लीज पे अटेंशन इन द क्लास। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट, सर्कमफेरेंस इज गिवन, हाउ मच इज दिस 154 मीटर। यस, सर्कमफेरेंस इज 154 मीटर। इन द क्वेश्चन सर्कमफेरेंस हैज बीन गिवन, ठीक है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस। तो आप उसकी रेडियस निकालें, उल्टा दिया हुआ है। अभी तक जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसमें रेडियस पता थी, हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना था, यहाँ पे उल्टा है, सर्कमफेरेंस दी हुई है। तो फॉर्मूला तो हम तब भी सर्कमफेरेंस का ही यूज करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल? सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2π r। बट वी नो द वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस की वैल्यू हमें मालूम है, तो हम सर्कमफेरेंस की जगह क्या लिखेंगे, 154। समझ में आया? हमें क्या नहीं मालूम है, हमें r नहीं मालूम है, r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो 2 × π, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 22/7। तो 2 × π, पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7। और r की वैल्यू हमें नहीं पता, तो r को एज इट इज रखेंगे। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो 154 इज इक्वल टू 2 × 22, कितने हो गए, 44/7 × r। अब r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फ्लिप कर दो इक्वेशन को, r को इधर लिया हो लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब पूरी पूरी इक्वेशन को फ्लिप कर दिया, तो 44/7 × r यहाँ आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और 154 वुड बी ऑन द राइट साइड। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, जस्ट लाइक यू यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द प्रीवियस चैप्टर। अननोन वैल्यू निकालते थे ना x की, तो क्या करते थे, x को छोड़कर बाकी सब कुछ ट्रांसपोज कर देते थे, याद आया ट्रांसपोजिशन का थ्योरम? तो क्या करते थे, r यही रहेगा, 7 कहाँ जाएगा बताओ, 154 के साथ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, और ये 44 किधर जाएगा, अपॉन में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखो 154 और 44 दोनों डिवाइड हो सकते हैं, किससे, 2 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 2 से 44 को डिवाइड करोगे, 2 × 2 = 4, 2 से 154 को डिवाइड करके बताओ ना क्या आएगा, चलो सब लोग करो, नहीं करो सब लोग नोटबुक में, या बॉयज मूव योर हैंड्स क्विकली, सेवेंटी सेवन आ रहा है, 77, ठीक है। 2 से इसे डिवाइड, क्या ये अभी भी डिवाइड हो सकते हैं, हाँ ये 11 से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों नंबर देखो 11 की टेबल में आते हैं, 11 × 2 = 22, 11 × 7 = 77। तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर से 7 × 7 यानी के 49 मीटर, 49 मीटर वुड बी द, अच्छा हाँ सॉरी अपॉन में 2 भी है, तो 49/2 मीटर रेडियस आ गई, इस सर्कल की रेडियस हमें मिल गई। इतना काम नोट करो, आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में देखते हैं हम। नोट इट डाउन, हो गया। सो बच्चों अभी देखो आगे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमें एरिया भी निकालना है सर्कल का, देखो एरिया निकालना था इसीलिए हमने रेडियस निकाली, क्योंकि बिना रेडियस के तो आप एरिया फाइंड ही नहीं कर सकते, है ना। तो अभी हमें एरिया फाइंड करना है सर्कल का, सो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सबको याद है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई × r × r, r × r, r स्क्वायर का मतलब क्या है, r × r।
पे वैल्यूज पुट करते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू आई थी 49/2 इंटू 49/2 7 से 49 कैंसिल हो जाएगा 7 × 7 = 49 और 2 से 22 2 × 2 2 से 11 पे 22 कैंसिल होगा ठीक है ना ठीक है अभी बचा क्या हमारे पास और तो कुछ कैंसिल हो नहीं सकता ऊपर हमें मिला 11 × 7 × 49 और नीचे हमें मिला 2 अभी इसे सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए ऊपर के तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो पहले 11 × 7 × 49 और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कीजिए क्विकली फुल स्पीड में करना है क्योंकि उसकी रेडियस सेम थी दैट्स व्हाई ठीक है तो देखो यहाँ पे देखिए एरिया का जो इसको सॉल्व किया जब आपने 11 × 7 × 49 तो आपको मिला 3773 / 2 है ना ऊपर के तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर आपने जब इसे डिवाइड किया 2 से तो आपको फाइनल आंसर मिला है 1886.5 मीटर स्क्वायर यूनिट शुड बी करेक्ट मीटर स्क्वायर नोट कीजिए सो क्लास अब हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का सो क्वेश्चन नंबर 4 काफी रियलिस्टिक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना तब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया था फेंसिंग वाला है ना तो ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं देखिए क्या लिखा है इसमें अ गार्डनर वॉन्ट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन एक गार्डनर का एक सर्कुलर गार्डन है जिसको वो फेंसिंग करना चाहता है फेंसिंग समझते हो ना चारों तरफ उसके फेंसिंग वायर या बार बनाना चाहता है ठीक है जिससे एनिमल्स अंदर ना आए या कोई अनवांटेड चीज अंदर ना आए सो फेंसिंग करना चाहता है सर्कुलर गार्डन की जिसका डायमीटर है 21 मीटर तो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल डायमीटर ऑफ द सर्कल इज हाउ मच 21 मीटर ठीक है रेडियस कितनी होगी फिर 10.5 अभी हम नहीं निकाल रहे हैं इसे पॉइंट में अभी जस्ट ऐसे ही लिख रहे हैं देखते हैं आगे क्या करना है सॉल्व क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप उस रस्सी की लंबाई बताइए ही नीड्स टू परचेज कितनी लंबी रस्सी वो खरीदे इफ ही मेक्स टू राउंड्स ऑफ फेंस अगर वो दो बार फेंस के राउंड लगाना चाहता है रस्सी से फेंसिंग करना चाहता है अगर दो राउंड लगाना चाहे हमने उस वाले क्वेश्चन में कितने राउंड लगाए थे आपको कॉन्सेप्ट तो पता है ना क्या करना है मालूम है ना ठीक है तो वहां पे तो रेक्टेंगुलर था हमारा जो फील्ड था यहाँ पे ये सर्कुलर है तो सर्कल की बाउंड्री की बात हो रही है यानी किस चीज की बात हो रही है सर्कमफेरेंस तो हमें क्या फाइंड करना है तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रोप एक राउंड लगाने के लिए कितनी लंबी रस्सी की जरूरत है वो बराबर होगी उस सर्कल की सर्कमफेरेंस के आगे आना समझ में तो लेंथ ऑफ रोप नीडेड टू फैन टू मेक वन राउंड ऑफ फेंस एक राउंड की फेंसिंग करने के लिए वन राउंड ऑफ फेंसिंग एक राउंड फेंसिंग करने के लिए मान लो ये गार्डन है इस गार्डन के चारों तरफ रस्सी लगानी है इस तरीके से ये देखो तो ये इसकी बाउंड्री की लंबाई के बराबर ही तो है सर्कमफेरेंस के इक्वल ही तो है दो राउंड के लिए कितनी रस्सी चाहिए होगी जस्ट उसकी डबल कितनी एक राउंड के लिए चाहिए तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में तो वन राउंड ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ठीक है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r कैसे फाइंड करेंगे 2 × π × r r कितना है 21/2 अब इसे सॉल्व करते हैं चलो 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 7 × 3 = 21 और 2 से 2 कैंसिल हो गया बचा क्या हमारे पास ऊपर 22 × 3 कितना आंसर आया बताओ 66 मीटर यानी एक राउंड अगर लगाना है उसको गार्डन के चारों तरफ
एक राउंड लगाना है तो उसको 66 मीटर की रोप चाहिए, लेकिन उसको कितने राउंड लगाने हैं? दो। तो उसको कितनी लंबी रोप चाहिए? दो मीडियम मीटर। फॉर टू राउंड, दो राउंड के लिए। यस, टू इंटू 66, टू से 66 की टू से मल्टीप्लाई करो, 132 मीटर रोप चाहिए उसे। बोलो समझ में आया सबको? यस मैम। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, और ये जो रोप है ये कितने रुपए की आएगी, कितनी कॉस्ट इसकी आएगी अगर अगर इफ इट कॉस्ट रुपीज 4 पर मीटर। अगर एक मीटर रस्सी 4 रुपए की है, 4 रुपीज की है, तो इतने मीटर रस्सी कितने की आएगी? द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप, 1 मीटर रोप की कितनी कॉस्ट है? रुपीज 4। तो द कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप, 4 की 132 से बटा 4 करते हैं, 520 रुपीज की रोप आएगी। ठीक है, नोट कीजिए। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? इसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। हाँ, कर लिया था? नोट कीजिए। चलिए, ओके। तो क्लास अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 7 में एक फिगर दी हुई है, देखिए। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फिगर किस चीज की फिगर है? सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, ठीक है। तो सर्कल को हाफ बना लेंगे। देखिए, ऐसी फिगर आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। इसी तरह से सेमी सर्कल दिया हुआ है। क्या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी पता है? हाँ, हमें ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हो डिस्टेंस क्या है? डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल, यही होता है ना डायमीटर। बाउंड्री के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाएंगे सेंटर से पास होते हुए, तो दैट लाइन विल बी द डायमीटर। क्वेश्चन में गिवन भी होगा आपको। आपको अच्छा, इसमें क्या बोला है इन्होंने? बोला है कि ये डायमीटर गिवन है, इन्होंने बोला कि ये जो फिगर है ना, इसका पैरामीटर निकालना है आपको। इसका क्या मतलब है? पैरामीटर जो होगा इस शेप का, दिस इज नॉट अ सर्कल, इट्स नॉट अ सर्कल, इट्स अ सेमी सर्कल। तो देखो, इमेजिन करो अगर आपके पास इस तरह की कोई गार्डन है, इसी शेप का कोई गार्डन है, कोई टॉय है या कोई शेप है इस तरीके से, आपको इसकी बाउंड्री की लंबाई पता करनी है। इग्लू होता है, इग्लू 3D होता है, ये 2D शेप है ना, वो आगे दिखता है। हाँ, ऐसा दिखता है आगे से। यस, तो ये सेमी सर्कुलर है। तो मान लो आपने पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई। मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, देखना जरा, यहाँ से चलना शुरू किया, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ जाएंगे, अब ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस है हमारा जो सर्कल होता है उसकी जो टोटल सर्कमफेरेंस होती है उसका हाफ, आधा। टोटल सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2πr, यानी पैरामीटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर शेप। इस सेमी सर्कुलर शेप का पैरामीटर होगा, ध्यान से सुनना, 10 सेंटीमीटर प्लस 2πr का आधा, 2πr का हाफ। बोलो समझ में आया? यस। 10 तो ये वाला डिस्टेंस है स्ट्रेट, और ये है 2πr का हाफ, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। 2πr का हाफ कितना हो जाएगा? 2πr, ओनली 2πr। तो 10 प्लस 2πr। बस अब आपको क्या करना है, इसमें r की वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू आपको मालूम ही होगी, कितनी दे रखी है पाई? पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे 3.14। मैंने आपको बताया था ना, पाई की दो वैल्यूज होती है, एक तो फ्रैक्शन में 22/7 और डेसिमल में 3.14। अब देखो कैसे लिखेंगे, 10 प्लस पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14। आप कहोगे मैम r तो है ही नहीं हमारे पास, r कितना हो जाएगा? 10/2। r कितना होगा? डायमीटर अगर 10 है, यहाँ लिख लो, अगर डायमीटर 10 है
मैं इसे 10/2 लिखूंगी, अभी आपको पता चलेगा क्यों लिखूंगी। यस, डायमीटर 10 है तो रेडियस हो जाएगी 10/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आर की जगह 10/2। इसे देखो ध्यान से, बताओ मुझे इसमें दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया सब कुछ, है ना। पाई की जगह क्या लिख दिया, 3.14। अब डेसिमल हटाइए, डेसिमल हटा के कितना आ जाएगा नीचे, 100, है ना। इस 100 से ही 10 कैंसिल हो सकते हैं, है ना। तो इस 100 से ही 10 कैंसिल कर दो, ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन में है, ये नहीं कर सकते ये वाला, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ये कैंसिल नहीं होगा। तो हमें मिलेगा क्या, 10 + 314/2×10 अभी कुछ और भी कैंसिल हो सकता है, हाँ हो सकता है, 2 से 314 कैंसिल हो सकता है, कितने पर कितना आएगा देखो। अगर आप इसको इस तरह से नहीं कर पा रहे हो ना, सपोज मान लो आप इसे इस तरह से ना कर पाओ, ये आपको डिफिकल्ट लगे, तो आप इसे नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, सुनो सुनो, क्या करना, पहले पाई आर की वैल्यू निकाल लेना और उसमें 10 को ऐड कर देना, पहले अलग से पाई आर की, जो पाई आर है ना, इसको सॉल्व करके अलग से वैल्यू निकाल लो। पाई आर यानी 3.14 × 10/2 या 5, बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई करना, 3.14 की 5 से मल्टीप्लाई करना, 15.70 कितना आ रहा है, 15.7 है ना, इनको मल्टीप्लाई करके 15.7 आ रहा है, पीछे की जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें 10 ऐड कर दो, कितना आ गया, 25.7 सेंटीमीटर, ये आ गया है सेमी सर्कुलर का पैरामीटर। नोट कीजिए, 15.7 नोट करो बेटा।